सबसे पहले हम बात करेंगे पारस डिफेंस लिमिटेड के बारे में। पारस डिफेंस की बात करें तो कल के दिन ये स्टॉक सभी के फोकस के ऊपर रहने वाले, और उसके पीछे का दो मेन रीजन है। उसमें से पहले रीजन की बात करें तो पिछले कुछ दिनों से जो डिफेंस वाले स्टॉक है एक बहुत ही कमाल की तेजी दिखा रहे हैं, जिनमें पारस डिफेंस तो और भी कमाल की परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अगर हम फ्राइडे के दिन की भी बात करें तो फ्राइडे के दिन भी इन स्टॉक ने नेट ने 10 से लेकर 10.5% की तेजी दिखाई थे। 5 दिन की बात करें तो 16 to 17%। तो क्या ये तेजी इस हफ्ते या फिर कल के दिन भी कंटिन्यू होगा, तो ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो ये तो है दोस्तों पहला रीजन, क्योंकि उस स्टॉक में फोकस रहेगा। दूसरा रीजन की बात करें जो कि और भी इंपॉर्टेंट है, और वो है दोस्तों कंपनी के Q4 के नंबर के रिएक्शन। क्योंकि फ्राइडे के दिन बाजार क्लोज होने के बाद हमें पारस डिफेंस के Q4 के नंबर देखने को मिला, और अगर हम नंबर की बात करें दोस्तों, अगर आप नंबर को देखोगे तो नंबर हमेशा की तरह जो नंबर कंपनी पिछले 2.5 साल 3 साल से दिखाता आ रहा है, सेम नंबर कंपनी ने इस बार भी दिखाया, एक बहुत ही म्यूटेड नंबर। नंबर में कोई ग्रोथ ही है नहीं। सेल्स में देखोगे तो एक रेंज में, प्रॉफिट भी एक ही रेंज में, हर एक चीज आपको एक ही रेंज में देखने को मिल जाएगा। यानी कि बेसिकली बोल सकते हो जो पारस डिफेंस के नंबर है कोई खास नंबर नहीं है। अभी तक पिछले 2.5 से 3 साल से जो कंपनी जिस प्रकार के क्वार्टरली नंबर दिखाते आ रहे हैं, तो इस बार भी पारस ने उसी प्रकार के नंबर दिखाए। तो क्या इस नंबर को बाजार कल के दिन किस प्रकार के रिएक्शन दिखाएगा, क्योंकि ये स्टॉक जैसे मैंने कहा कि नंबर आने से पहले जो डिफेंस वाले स्टॉक ने जिस प्रकार की रैली दिखाना शुरू किया, तो ये स्टॉक तो न्यूज बेस के चलते इस प्रकार से भागा हुआ है। तो क्या जो स्टॉक इतने बॉटम लेवल से इतने कमाल की रैली दिखाए, तो क्या इस नंबर के चलते कि यहाँ से कल के दिन स्टॉक में एक अच्छे खास हेल्थी प्रॉफिट की बुकिंग आएगा, या फिर इस नंबर को भी बाजार अप्रिशिएट करेगा, तो ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग रहने वाला है। बाकी आपको बताया कि जब से इसकी शुरुआत हुआ लिस्टिंग रेट बहुत कमाल के थे, उसके बाद और भी तेजी बना, उसके बाद जो गिरा, जिन्होंने बाय के टॉप पे अभी तक फंसे, जो फंसे उनको बस इतना कहना चाहूंगा कंपनी खराब नहीं, कंपनी अच्छे, ऊपर से डिफेंस वाली कंपनी, इंजीनियरिंग वाली कंपनी है, तो फ्यूचर में ग्रोथ तो है, तो डेफिनेटली ये कंपनी आगे अच्छा कर सकता है। बट फिलहाल के हिसाब से 2.5-3 साल से कंपनी कुछ खास एक बार भी कोई इंप्रेसिव नंबर दिखा नहीं पाई। एक बार भी अच्छा नंबर दिखा देना तो छोटी कंपनी है तो इसको जोरदार अप्रिशिएट मिल सकता है। बट इस बार भी जो उम्मीद था उस उम्मीद को भी निराश कर दिया, इस बार भी उसने एक म्यूटेड नंबर दिखाया। तो देखते हैं तो क्या यह तेजी कंटिन्यू रहेगा या फिर इस डिसअपॉइंटिंग नंबर के चलते एक अच्छे खासे इस तेजी में थोड़ा रुकावट आएगा, तो ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो अगर आपके पास है तो भी, अगर आपके पास है नहीं तब भी चाहो तो कल के दिन पारस डिफेंस को या फिर बाकी और भी डिफेंस स्टॉक को आप अपना फोकस बना के रख सकते हो। देन अगला स्टॉक की बात करें तो RBNL लिमिटेड। सो RBNL लिमिटेड की बात करें तो कल के दिन चाहो तो इन स्टॉक को भी आप अपना फोकस बना के रख सकते हो। उसके पीछे का रीजन है कि इन स्टॉक में भी जिस प्रकार के हमें तेजी देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि पिछले 5 दिनों की बात करें तो लगभग 27% की तेजी, महीने भर में रफली देखोगे तो सेम 27%। बट अगर आप बॉटम लेवल से देखोगे, एक्चुअल में जिस लेवल से स्टॉक में तेजी आना शुरू किया है इस 250 के लेवल से, तो लगभग ये तेजी 44% तक देखने को मिल जाएगा, वो भी सिर्फ और सिर्फ 13 मई से लेकर 24 मई तक। हार्डली 10 से 12 दिनों में इन स्टॉक ने बॉटम लेवल से बहुत ही कमाल की रैली देखी, और सिर्फ रैली नहीं, जिसको ऑल टाइम हाई थे उस ऑल टाइम हाई को भी उसने इजीली ब्रेकआउट दे दिया। जिसको ऑल टाइम हाई थे लगभग 345, तो उसको भी बहुत ही अच्छी तरह से बीट कर दिया, और स्टॉक एकदम अपने ऑल टाइम हाई पे और 400 के करीब ये स्टॉक है। तो क्या ये तेजी इस हफ्ते भी कंटिन्यू होगा, क्या ये स्टॉक इस हफ्ते के 400 को ब्रेक करके क्या 450 तक रैली दिखा पाएगा, क्योंकि ये जो स्टॉक में तेजी आ रहा है दोस्तों, ये कोई फेक वाली तेजी तो बिल्कुल भी नहीं है, एकदम जेन्युइन तेजी है। और उसके पीछे का रीजन है कि ढेरों सारे इतने प्रोजेक्ट कंपनी को मिला है, इतने सारे ऑर्डर कंपनी को मिला है, जो कि आप देख सकते हो कंपनी को और एक ऑर्डर मिला है जो कि कहाँ से, नागपुर मेट्रो स्टेशन से, कितने नियर बाय, 250 करोड़ के आसपास। और जितने ज्यादा कंपनी को ऑर्डर मिलेगा, जितने ज्यादा कंपनी को ऑर्डर मिलता जाएगा, उतने ज्यादा जो आने वाले कंपनी के क्वार्टरली नंबर रहेंगे उसमें आपको उसके नंबर की रिफ्लेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप इसमें देख सकते हो कि इस बार इतने सारे ऑर्डर कंपनी को पास्ट में मिला था, जिसके रिफ्लेक्ट आपको कंपनी के इस Q4 में देखने को मिला। इनकम बहुत ही कमाल के थे, चाहे क्वार्टरली बात करें चाहे ईयरली बात करें। साथ साथ अगर आप कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखोगे तो फर्स्ट टाइम कंपनी ने 450 करोड़ के ऑपरेटिंग दिखाए। उसी के साथ अगर हम नेट प्रॉफिट की भी बात करें तो वो भी 350 करोड़ के नेट प्रॉफिट, 450 करोड़ और 350 करोड़ के नेट प्रॉफिट, सेम 450 करोड़। और ऐसा इतने कमाल के नंबर क्यों दिखाए, तो सिंपल कंपनी को पास्ट में इतने सारे ऑर्डर मिला है, जो ऑर्डर लगातार कंपनी कंप्लीट करते गए, ऑर्डर का एग्जीक्यूशन हुआ और कंपनी को पार्ट पेमेंट में कंपनी को पेमेंट मिलते गए, कंपनी के रेवेन्यू इंक्रीज हुआ, प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, अर्निंग इंक्रीज हुआ, और उसके बाद स्टॉक प्राइस भी बहुत ही कमाल की रैली दिखा रहे। और
उसके बाद भी कंपनी को दो चार और भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिला, तो आप ये इंडिकेशन लगा सकते हो कि जितने ज्यादा ऑर्डर कंपनी को मिल रहा है, जो आने वाले कंपनी के नंबर आएंगे FY25 के, वो और भी खतरनाक हो सकता है और उसके बाद स्टॉक में और भी कमाल की रैली आ सकता है। बाकी कंपनी की बात करें तो जैसे मैं पहले भी बोल चुका हूँ, जब ये स्टॉक गिरा था तब भी भाई कंपनी अभी मतलब यहाँ पे नहीं कि ग्रोथ ये खत्म हो गए, कोई अगर ये सोचे कि भाई पाँच साल हुआ है उसमें से 1700-1800% की तो ग्रोथ दिखा दी, तो क्या आगे भी ग्रोथ है? अरे बहुत ग्रोथ है। एक तो मार्केट कैप बहुत छोटे 70,000 करोड़ का मार्केट कैप है इसके, तो 70,000 करोड़ की भी, और उससे इंपॉर्टेंट चीज़ है ग्रोथ है उसमें। आपको क्या लगता है जो हमारी इंडिया है, जितने बड़े हमारे इंडिया, जिस प्रकार के पॉपुलेशन है उसके हिसाब से, जो इंडिया जो रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या पूरी तरह से रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है? तो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही डेवलप होना बाकी है। बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिला इस सेक्टर, मतलब इस रेलवे स्टॉक को, इस रेलवे कंपनी को बहुत बड़े बड़े रेलवे प्रोजेक्ट मिलना बाकी है, तो बहुत ग्रोथ आना बाकी है, जिनमें ये आरबीएनएल लिमिटेड कंपनी, और सिर्फ ऐसे नहीं कि रेलवे में काम करता है, नॉन रेलवे में भी कंपनी का अच्छी खासी योगदान है। चाहे अगर मेट्रो की बात करें तो उस साइड से भी कंपनी को ढेरों सारे प्रोजेक्ट मिलने वाले, अभी तक मिला है और आगे भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट आपको मेट्रो के साइड से और नॉन मेट्रो, मतलब मेट्रो के साइड से साथ साथ आपको रेलवे के साइड से भी आपको मिलते हुए देखने को मिल जाएगा। तो कंपनी तो दमदार है, और यहाँ तक नहीं, ये कंपनी अभी 350 पे, एक टाइम बाद देखोगे लॉन्ग टर्म में कि 1000-2000-3500 तक भी, मतलब यहाँ से भी कंपनी 10 गुना 20 गुना बड़ी बनने के पूरा दमखम रखता है। अभी तो सिर्फ 70,000 करोड़ का मार्केट कैप है, लेकिन फिलहाल को इस टाइम पे फ्रेश बैंक करने के बारे में सोच रहे, क्योंकि जब स्टॉक में तेजी आता है, जब ये स्टॉक 40% गिरा था कितने बार कवर किया, जब यहाँ पे गिरा था कितने बार कवर किया, अभी मना कर रहा हूँ। देखो आपके कैपिटल, आप चाहो तो कभी भी किसी भी स्टॉक को बाय कर सकते हो, टॉप पे खरीद सकते हो, जब स्टॉक नीचे आएगा तब लॉस में बेच सकते हो, बट मेरे काम है आपको सही जानकारी देना। अभी रुक जाओ क्योंकि 4 जून को इलेक्शन के भी रिजल्ट आने वाले हैं, तो वो भी सरकारी कंपनी है, रेलवे से जुड़ा हुआ कंपनी है, तो कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तो इसके ऊपर भी फोकस, उसके मतलब उसके चलते भी स्टॉक में बड़े हलचल हो सकता है हर एक सरकारी स्टॉक में, तो इसलिए रुक जाओ 4 जुलाई तक, स्टॉक को जितना भागना है भाग ले लो, उसके बाद एक बार रिजल्ट को देख लो, उसके बाद बड़ी आराम से इसके बारे में आप अपना ले सकते हो। अगला स्टॉक की बात करें तो और एक दमदार कंपनी सो एंजिलॉन लिमिटेड, सो एंजिलॉन की बात करें तो इसको भी चाहो तो कल के दिन अपना फोकस बना के रख सकते हो। उसके पीछे का रीजन है कि बस सेम रीजन कि स्टॉक का प्रेशराइज, जिस प्रकार के पिछले 2-3 दिन से जिस प्रकार से फिर से स्टॉक में प्रेशर बनना शुरू हुआ, आप देख सकते हो कि 5 दिन में 4.5% डाउन, महीने भर में 7.5%, 6 मंथ की बात करें नेट 15%, टॉप से लगभग 30-35%। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बार बार उम्मीद दिखाते हैं कि बाउंस बैक हो रहा है, बट अच्छे खासा बाउंस बैक भी होता है, बट अनफॉर्चुनेटली उस तेजी को सस्टेन नहीं कर पाता और फिर से स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिल जाता है। तो क्या ये गिरावट जो पिछले 4 दिन से स्टॉक में बना हुआ है, तो क्या आप ये स्टॉक, ये जो अपना लेवल है 2500, हर बार जो कि 2500 के लेवल से आता है फिर से बाउंस बैक दिखाते हैं और फिर 2750 को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, तो क्या अभी इस बार 2500 को ब्रेक डाउन देखे, क्या ये स्टॉक अभी और भी नीचे आएगा, या फिर जो ये 2600 के लेवल है ये भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, या फिर यहाँ से स्टॉक फिर से बाउंस बैक दिखाएगा? तो ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं। और बाकी म्यूचुअल फंड की डेटा की बात करें तो म्यूचुअल फंड इसमें 3 मंथ बुलिश है तो 3 मंथ बेयरिश है, अगर आप 6 मंथ के डेटा को देखोगे तो 3 मंथ कंसिस्टेंसी स्टॉक में म्यूचुअल फंड ने अपना सेलिंग किया, बट बाकी 3 मंथ फेब मार्च और अप्रैल बाकी 3 मंथ म्यूचुअल फंड ने अच्छे खासे बाइंग किया, जिसके चलते बोल सकते हो जो नेक्स्ट क्वार्टर के अपडेट होंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न जून क्वार्टर के, उसमें शायद से डीएस के होल्डिंग फिर से आपको इंक्रीज होते आपको देखने को मिल सकता है। और एफएस तो आपको पता है कि अच्छी तरह से बुलिश है, लगातार बाइंग कर रहे हैं, लगभग 18% के आसपास उनके पास स्टेक है, पब्लिक के पास लगभग 32% के आसपास, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी एक डिसेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न है। और बाकी आपको बताया कि भाई कंपनी तो सॉलिड है, बट इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस प्रकार से कॉम्पिटिशन इंक्रीज हो रहा है, तो उस कंपटीशन के हिसाब से कंपनी को जो कंपनी की अभी पोजीशन है 3rd नंबर पे उसको मेंटेन रखना है कंपनी को, तो कंपनी उसी पाथ पे चल रहे हैं। इसके लिए कंपनी अलग अलग इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, आईपीएल के साथ भी बहुत बड़े पार्टनरशिप किया, तो कंपनी इन्वेस्टमेंट तो ब्रोकिंग बिजनेस में बहुत ही अच्छे खासे कर रहे हैं, तो इतना जरूर है कि आगे भी कंपनी जो अभी तक कंपनी ने ग्रोथ दिखाया आगे भी कंपनी अपनी ग्रोथ को वो ऐसे जरूर मेंटेन रख सकता है, बट शॉर्ट टर्म हिसाब से थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटिंग है, थोड़ा बहुत परेशान वो जरूर कर रहे हैं, बट लॉन्ग टर्म हिसाब से बात करें ये कंपनी डेफिनेटली और भी अच्छा करते आपको देखने को मिल सकता है। जिसके पास भी है लॉस में निकलने वाली कंपनी तो बिल्कुल भी नहीं है, लिस्टिंग के हिसाब से देखा जाए, लिस्टिंग के हिसाब से अगर कोई ब्रोकिंग कंपनी है जो कि इन्वेस्टमेंट के लायक है, जो कि मतलब सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं, वो दोस्तों एक ही कंपनी हमारे नाम हमारे सामने आ जाता है ब्रोकिंग के हिसाब से, वो दोस्तों एंजिलॉन लिमिटेड, क्योंकि ज़ेरोधा और ग्रो वो तो और भी कमाल की परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बट ज़ेरोधा ग्रो तो बाजार में लिस्टेड है ही नहीं, और बाकी जो ब्रोकिंग कंपनी लिस्टेड है वो इतने इन्वेस्टमेंट के लायक नहीं है, उनके चार्टर आपको सालों साल इसी रेंज में देखने को मिल जाएगा, बट एंजिलॉन लिमिटेड
ऐसा है अप्स एंड डाउन तो है क्योंकि ये मार्केट से जुड़ा हुआ स्टॉक है, जब मार्केट गिरेगा तो ये भी 30-40% गिरेगा क्योंकि इनके बिजनेस में इम्पैक्ट आता है। बट मतलब अल्टीमेटली जो ग्राफ है इनके अच्छी प्रॉफिट दिए पीछे 3-3.5 साल में गिरने के बाद भी 850% तो अच्छी प्रॉफिट दे रहे हैं और शायद से आगे भी ये कंपनी इस ब्रोकिंग बिजनेस में और भी कमाल की परफॉर्मेंस ये दे सकता है। तो अच्छी कंपनी जिसके पास भी जरूर बने रहो, लॉस में निकलने वाली कंपनी तो बिल्कुल भी नहीं। जिसके पास है नहीं कोई ब्रोकिंग स्टॉक में जाना चाहता है दोस्तों, लिस्टिंग के हिसाब से मेरे हिसाब से एंजेलॉन आपको फर्स्ट चॉइस होना चाहिए, एक बेस्ट स्टॉक है और कोई है ही नहीं लिस्टिंग के हिसाब से। हाँ जब ज़ेरोधा और ग्रो लिस्टेड हो जाएगा तब आप उसके बारे में कंसिडर कर सकते हो, बट फिलहाल ज़ेरोधा ही सबसे बेस्ट है। तो अगर आप चाहो 35% डाउन है स्टॉक, 30-35% डाउन है, तो आप चाहो तो इसके बारे में इस लेवल पर जरूर कंसिडर कर सकते हो अगर आपको ये कंपनी अच्छी लगती तो।